हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम बात करेंगे, एक ओनिडा सेट है मेरे पास जो कि स्टैंडबाय प्रॉब्लम में चला गया था। तो मैंने क्या किया था, छोटा सा ट्रिक था इसमें जो कि स्टैंडबाय हो जाता है, ठीक है। तो उसके ट्रिक के बारे में आज हम लोगों को बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो कहाँ पर प्रॉब्लम था वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। वीडियो छोटा करूँगा, लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक ट्रिक ही बताऊँगा जो कि ये सेट में ज़्यादातर आता रहता है, ठीक है दोस्तों। पहला ट्रिक है, एकदम पोजीशन में मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इसका, ठीक है। ये तो प्रॉब्लम होता ही है अगर ज़्यादा दिन चलने के बाद आता है। तो यहाँ पर देखिए, एक 7-8 और 0.5 का एक रेगुलेटर आईसी है जो ये है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेटिंग में दिखाता हूँ, ये है आईसी, ठीक है। ये आईसी अगर ज़्यादातर ड्राई होता है, ख़राब बहुत कम होता है ऐसी। तो मैंने इसको ड्राई किया, ड्राई सोल्डरिंग था, स्टैंडबाय प्रॉब्लम था, वो रिलीज़ हो गया, अभी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको सप्लाई कहाँ से प्रोड्यूस होता है, यहाँ से, ठीक है दोस्तों। ये ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर, क्योंकि लूज होने के बाद ये प्रॉब्लम आता है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये सारा आप लोग ड्राई कीजिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये भी इसको भी ड्राई कीजिए। और भी दिखाता हूँ आप लोगों को, ये है ड्राइवर, ठीक है। ये ड्राइवर भी सोल्डरिंग कर दीजिए और साथ में इसको भी, ठीक है। ये पर रेजिस्टेंस है, और ये सर्किट बुरी तरह से जल गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं इस टीवी पर। हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं ये प्रॉब्लम था इस पर, सिर्फ यहाँ पर इसके ड्राई की वजह से आपका ऑन नहीं हो रहा था। लेकिन आपको मैं अभी ऑन करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर यह प्रॉब्लम आता रहता है। जो मैंने पावर दे चुका, अभी स्टैंडबाय रिलीज़ हो चुका है, ये देख सकते हैं एलईडी ग्लो कर रहा है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को जानकारी दे दिया थोड़ा बहुत, ये देख सकते हैं वीडियो निकल के आ चुका है, वीडियो लिखा आ रहा है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतनी था।